को पाने के लिए नर रूप धारण किया था। नर और नारायण रूप में भगवान विद्यमान थे। नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में भगवान तप कर रहे थे कि महादेव महादेव दर्शन करो, महादेव दर्शन। भगवान के तप से प्रसन्न होकर भगवान महादेव उस बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण कहने लगे, प्रभु आप इसी स्थान पर वास करें, भक्तों का उद्धार करें जिससे भक्तों का जीवन सफल हो जाए। उसी समय सभी पांचों पांडव महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अपने पापों की निवृत्ति करने के लिए भगवान की खोज में स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए ऐसा कहते हैं कि बद्रिकाश्रम जो बद्रीनाथ बद्री नारायण के दर्शन बद्री विशाल के दर्शन करने जाते हैं ना, उनके विषय में ऐसा कहते हैं कि वहां की यात्रा जो उससे स्वर्ग का रास्ता जाता है। वहां पर एक जलधार बहती है जिसे विश्वधारा वसुधारा कहा जाता है। कहते हैं कि अगर वो किसी के ऊपर गिर जाए तो ऐसा कहते स्वर्ग में चला आ जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा कहते हैं कि कभी कभी पापी मनुष्य होता है उसके ऊपर वो गिरती भी नहीं, उसके सामने खड़े हो जाए तो पीछे की तरफ जाते। वो वसुधारा उसी मार्ग से सभी पांडव स्वर्ग गए थे और वही स्थान है जहां से सरस्वती का उद्गम स्थल है। केवल सरस्वती वही दिखाई देते, उसके बाद कहीं नहीं दिखाई देते, कहीं नहीं दिखाई देते, अंतस्त्राव भी हो जाते नदी के अंदर से बहते। उस उद्गम स्थल के बाद कहीं नहीं दिखाई देती सरस्वती नदी। उस तपोभूमि में भगवान शंकर और नारद जी नारायण भगवान नर नारायण के रूप में अवस्थित थे। भगवान वहां पर उपस्थित देख करके सबसे प्रमुख बलशाली पांडव भीम ने अपने पापों की निवृत्ति भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते वो भी बद्रिकाश्रम पहुंच गए। भीम ने देखा कि बद्रिकाश्रम में भगवान शंकर गए, भगवान शंकर वहां से भागने लगे। क्यों भागने लगे? क्योंकि भई में जितने भी पांडव इन्होंने पाप किया था भगवान को दर्शन देने से बच रहे थे, इनको दर्शन देने से पाप मुक्त हो जाएंगे। भीम ने भगवान शंकर का पीछा किया, भगवान शंकर आगे आगे सभी पांडव पीछे पीछे दौड़ते। भगवान शंकर जैसे आगे भगे वो उसी पर्वत की शिला में सवारने लग गए। भगवान जिसी पर्वत की शिला में सवारने लगे भीम ने जाकर भगवान की पीठ को पकड़ लिया। भगवान की पीठ को जिस स्थान पे पकड़ा उसे केदार घाटी कहते हैं। भगवान जैसे अंदर प्रवेश कर गए उनके पीठ का हिस्सा जिस स्थान पर निकला उसे केदारनाथ कहते हैं और वो केदारनाथ भगवान बन गए। उसी स्थान पर भगवान के हाथ में निकले, वहां पर आंखें में निकले, भगवान के चरण में निकले, ऐसे मिलाकर के उस केदारनाथ में पंच केदार हो गए। कितने? पांच केदार, जिसको पंच केदार के नाम से जाना जाता है। या तो इन पांचों केदारों के दर्शन से पूरा एक केदारनाथ होता है, लेकिन भगवान की जो पीठ यहां निकली और भगवान का जो मुख है वो नेपाल में निकला जिसको हम पशुपतिनाथ कहते हैं। या तो एक केदारनाथ के दर्शन करके पशुपतिनाथ दर्शन कर लो तो एक केदारनाथ हो जाता है। केदारनाथ दर्शन करने वाले तो पंच केदार पूर्ण करो, या केदारनाथ के बाद जब भी समय मिले एक बार भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने से एक केदारनाथ की यात्रा पूर्ण हो। ऐसे भगवान विहंगम स्थान पर बैठे अपने भगवान भक्तों को दर्शन कहते बोले केदारनाथ भगवान करते कि महा दीपे चटे